डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टोकन रिंग के बारे में, या जिसको हम IEEE 802.5 स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं या प्रोटोकॉल भी बोल देते हैं। एक्चुअली ये ओरिजिनली डिजाइन किया था IBM ने 1984 में, बट बाद में ये स्टैंडर्ड हो गया IEEE 802.5 में ये डिफाइंड है। तो इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके ऊपर छोटा मोटा पॉइंट जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो यहां से समझ सकते हो। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा कि यहां पे नाम में ही है आपका रिंग, टोकन रिंग, तो ये कौन से टोपोलॉजी यूज करता है? रिंग टोपोलॉजी जो है वो यूज करता है। ये रीजन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि IEEE 802.3 भी हमने डिस्कस किया था ईथरनेट, उसमें बस टोपोलॉजी यूज करते हैं। और ये अगर हम बात करें ना डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर में जो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे ईथरनेट हो गया, IEEE 802.3 या फिर 802.5, तो इनके ऊपर ना डिफरेंसेस पूछ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, कौन सी कौन टोपोलॉजी यूज करता है, तो आपको ये पॉइंट जो है वो पता होने चाहिए। तो रिंग टोपोलॉजी जो है वो यहां पे यूज की जाती है। और दूसरा पॉइंट यहां पे कि एक्सेस कंट्रोल मेथड हम कौन सा यूज करते हैं, टोकन पासिंग। इसका मतलब क्या बना? देखो यहां पे रिंग टोपोलॉजी की अगर हम बात करें या टोकन रिंग की भी अगर हम बात करें, तो उसका डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनाओगे, ये हमारे पास डिफरेंट स्टेशंस हैं और ये स्टेशंस इस तरीके से हमारा रिंग टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। मल्टीपल स्टेशंस हैं, नाम दे लो अगर आप देना चाहते हो, जैसे ए बी सी एंड डी। अब देखो यहां पे ए बी सी डी सारे के सारे जो है वो रिंग टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, लेकिन कौन सा डिवाइस कब ट्रांसमिशन करेगा और कौन सा डिवाइस अभी ट्रांसमिशन नहीं करेगा, इस चीज के बारे में कैसा पता लगेगा? क्योंकि अगर सारे एकदम से ट्रांसमिशन कर देंगे तो कोलिजन हो जाएगा। तो कौन सा डिवाइस पहले एक्सेस करेगा, मीडिया को पहले कौन एक्सेस करेगा, इस चीज के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं टोकन पासिंग के कॉन्सेप्ट को। तो यहां पे क्या होता है, एक टोकन है, वो टोकन क्या होता है, वो रिवॉल्व होता रहता है, मतलब वो टोकन घूमता रहता है। तो जो स्टेशन भी रेडी है डेटा के साथ, वो उस टोकन को होल्ड कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, होल्ड कर लेगा, और फिर डेटा को ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर देगा। और जब उसकी ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगी, वो टोकन को छोड़ देगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर ऐसे ही वो दोबारा से फिर टोकन घूमता रहेगा, फिर जो स्टेशन रेडी है वो डेटा को भेजने से पहले उस टोकन को कैप्चर कर लेगा और फिर डेटा को भेजना स्टार्ट करेगा। और कोई इस टाइम पे डेटा भेज नहीं सकता, क्योंकि टोकन जो है वो उसके पास है नहीं। तो जिसके पास भी टोकन होगा वही डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करते हैं। तो टोकन रिंग जो है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आ जाता है कि वेदर इट इज अ बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल। तो ये होती है यूनिडायरेक्शनल, मतलब आप हम इसको सिंप्लेक्स मोड में यूज करते हैं, चाहे आप क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक डायरेक्शन में ही आपकी मूवमेंट होगी, एक डायरेक्शन में ही डेटा मूव करेगा। डेटा रेट की अगर हम बात करें, तो डेटा रेट हम यहां पे यूज करते हैं 4 Mbps एंड 16 Mbps। अर्लियर यही यूज करते थे, अब धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं, तो मल्टीपल भी आ सकती हैं, लेकिन अगर आपसे बाय डिफॉल्ट पूछते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि 4 Mbps और 16 Mbps। डेटा रेट क्या होती है, जिसको हम बैंडविड्थ भी बोल देते हैं, कि कितने बिट्स ऑफ डेटा हम पर सेकंड ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो होती है आपकी डेटा रेट। और टोकन की अगर हम बात करें, तो टोकन को भी रिलीज करना पड़ता है। जैसे आपने टोकन को कैप्चर कर लिया, डेटा को ट्रांसमिशन करना स्टार्ट किया, डेटा आपने सारा ट्रांसमिट कर दिया, भेज दिया, अब टोकन को रिलीज करोगे, तो टोकन को रिलीज करने के भी यहां पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कि आप टोकन को अर्ली रिलीज करते हो या डिलेड टोकन रिलीज। अर्ली का मतलब क्या है, कि आपने जैसे ही सारा का सारा पैकेट, सारे सारे मैसेज भेज दिए, आप तुरंत ही टोकन को छोड़ दोगे। और अगर हम बात करें डिले की, तो डिले में क्या होता है कि आपने पैकेट को पहले ट्रांसमिट किया, फिर दूसरे पैकेट को, वो पैकेट घूम के जब वापस आपके पास पहुंच जाएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि हां मेरा पैकेट सारे रिंग में पहुंच चुका है, अब आप टोकन को रिलीज करोगे। तो इसका मतलब होता है डिलेड। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन वो गेट या यूजीसी नेट के एग्जाम में अक्सर आते हैं, लेकिन नॉर्मल एग्जाम में वो नहीं पूछे जाते, बट फिर भी हम अगली वीडियो में उसके ऊपर भी डिस्कशन जो है वो डिस्कशन करेंगे।
देन अगर हम बात करें यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट की, तो एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कट कहीं पे मेंशन नहीं है कि क्या टोकन रिंग में एक्नॉलेजमेंट यूज होती है या नहीं होती। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं पे आ जाता है तो आप पिग्गी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि हाँ एक्नॉलेजमेंट तो है लेकिन पिग्गी बैकिंग का मतलब क्या होता है कि डेटा के साथ ही आप एक्नॉलेजमेंट भेज देते हो ताकि ट्रैफिक जो है वो कम रहे। अलग से एक्नॉलेजमेंट भेजोगे, डेटा अलग से भेजोगे, इससे बेटर क्या है, डेटा तो भेज ही रहे हो साथ में एक्नॉलेजमेंट को चिपका के भेज दो ताकि आपके जो है वो पैकेट ट्रांसमिशन जो है वो कम हो, नेटवर्क के ऊपर जो है वो लोड या नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक कम हो। तो इसलिए हम पिगी बैकिंग को यूज करते हैं। देन डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग को यूज किया जाता है। एनकोडिंग टेक्निक मल्टीपल है, एनआरजेड है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर अकेला है, तो यहां पे हम यूज करते हैं मैनचेस्टर डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग को। और क्या होती है मैनचेस्टर और डिफरेंशियल, तो उसके रिलेटेड जो है वो लिंक आपको रिकमेंडेड वीडियो में भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा क्योंकि उसके ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। बट इस वीडियो में मैं दोबारा से उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देन वेरिएबल साइज फ्रेमिंग को हम यहां पे यूज करते हैं। तो जैसे हम फ्रेम, हम बोलते हैं कि डेटा लिंक लेयर पे हम क्या नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, फ्रेम। तो हम फ्रेम्स को जब भेजते हैं, फ्रेम्स को ट्रांसमिशन करते हैं, तो फ्रेम आपके स्टैटिक भी हो सकते हैं, मतलब एक सेम साइज के भी हो सकते हैं, या वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। देन हमारे पास आता है मॉनिटर। तो यहां पे हम यूज करते हैं मॉनिटर स्टेशन को। मॉनिटर स्टेशन का पर्पज क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई पैकेट है, कोई फ्रेम है, वो फ्रेम यहां पे मूव कर रहा है और वो फ्रेम हो गया करप्ट। अब करप्ट होने की वजह से कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो फ्रेम जो है वो स्ट्रे पैकेट बन गया और घूमता जा रहा है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो यार ये फालतू में यहाँ पे ट्रैफिक क्रिएट कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के पैकेट्स को निकालना पड़ता है। और भी चीज़ें होती हैं जो हमें मॉनिटर करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टेशन जो है वो एज ए मॉनिटर वर्क करता है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं आपके टोकन रिंग के बारे में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन अगर हम बात करें फ्रेम फॉर्मेट की, तो यहाँ पे दो फ्रेम फॉर्मेट हम यूज करते हैं, एक तो डेटा के लिए, ये तो हो गया डेटा का फ्रेम फॉर्मेट, और एक होता है टोकन के लिए। तो यहाँ पे तो मैं जस्ट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लेकिन फर्दर वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर आता है स्टार्ट डेलीमीटर जो कि 1 byte का है। ये सारी जो वैल्यूज लिखी है ये बाइट में है, याद रखना ये बाइट में है। तो स्टार्ट डेलीमीटर मतलब पैकेट आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, अलर्ट के लिए हम यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, तो ये 1 byte की इंफॉर्मेशन है। देन एक्सेस कंट्रोल के लिए, एक्सेस कंट्रोल के लिए कि कैसे प्रायोरिटी वगैरह डिसाइड करनी, रिजर्व बिट भी होती है इसमें, टोकन है या नहीं, तो उसके लिए हम यहां पे 1 byte का इंफॉर्मेशन रखते हैं। देन फ्रेम कंट्रोल कि आपका जो डेटा है, मतलब जो पैकेट आप भेज रहे हो, जो फ्रेम आप भेज रहे हो, वो डेटा फ्रेम है या कंट्रोल फ्रेम है, मतलब कई बार हमें कंट्रोल फ्रेम्स भी भेजने पड़ते हैं रादर देन डेटा, तो वो यहां से हमें पता लग जाता है। देन ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस 6 byte का बिकॉज हम मैक पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैक एड्रेस पे वर्क कर रहे हैं, तो मैक एड्रेस आपको पता ही है 48 bit का होता है, 6 byte का आप बोल सकते हो। डेटा की अगर हम साइज की बात करें तो ये डिपेंड करता है, मतलब मिनिमम तो ऑब्वियसली आप 0 byte का भेज सकते हो, मैक्सिमम आप कितना भेज सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन टोकन होल्डिंग टाइम कि आप टोकन कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम डेटा कितना भेज सकते हो। और ये एडवांटेज है, ईथरनेट में क्या होता है फिक्स है कि 1500 बाइट फिक्स है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे आपके पास ये जो है वो एडवांटेज है एज कंपेयर टू ईथरनेट। देन सीआरसी की बात करें, वहां पे भी था साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, हम एरर कंट्रोल के लिए यूज करते हैं सीआरसी 4 byte का। देन यहां पे हमारे पास आ जाता है एंड डेलीमीटर, जैसे स्टार्ट है ऐसी एंड डेलीमीटर 1 byte का यूज करते हैं, और फाइनली ये है आपका फ्रेम स्टेटस 1 byte का, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। देन टोकन की अगर हम बात करें, टोकन का जो फॉर्मेट है वो 3 byte का है, टोकन जो है वो 3 byte का होता है, जिसमें अगेन स्टार्ट डेलीमीटर, एक्सेस कंट्रोल एंड एंड डेलीमीटर जो है वो फील्ड हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।